हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग वोकैबुलरी का पार्ट टू कवर करेंगे फॉर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल आईबीपीएस पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन। दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आएगा तो निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये सारे जो वर्ड कवर कर रहे हैं, ये जीआरई वैरन के बुक से सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड कवर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए, बैंक पीओ के लिए। इसलिए आप एक एक वर्ड को दो तीन बार इसको पढ़िए, दो तीन बार देखिए इस वीडियो को, और उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ये इसे मिनिमोनिक्स टेक्निक के तहत से सारे वर्ड को कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है रिस्ट्रेंट फ्रॉम प्लीजेंट थिंग्स, मतलब कोई चीज़ आपको अच्छा लग रहा है उस चीज़ से आपको रोक दिया गया। कोई चीज़ आपको अच्छा लग रहा है उस चीज़ से आपको रोक दिया गया, रिस्ट्रेंट फ्रॉम प्लीजेंट थिंग्स। जैसे कि ईटिंग से, ड्रिंकिंग से, कोई अच्छा खाना आपको पसंद रहा उस खाने से आपको रोक दिया गया। कुछ कोई चीज़ आपको अच्छा पीने में लग रहा है उस चीज़ से आपको रोक दिया गया। दैट इज कॉल्ड एज द एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेंट फ्रॉम प्लीजेंट थिंग्स। कैसे याद रखेंगे? तो एब्स्टिनेंस में आप देखिए एब है प्लस एब्स्टिनेंस, एब प्लस एब्स्टिनेंस। ये एब्स्टिनेंस जो है लुक्स लाइक स्ट्रिंग्स के तरह लग रहा है, मीन्स स्टिकिंग टू द रूल, मतलब किसी रूल से आप स्टिक कर गए। मतलब किसी रूल से जब कब आप स्टिक करते हैं, जब आप पूरी तरह से मतलब कठोर हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से आप बाइंड हो जाते हैं किसी काम को लेके, तो तब आप जो है स्टिक कर जाते हैं रूल से। तो मतलब अपने आप को किसी गलत काम करने से अपने आप को हमेशा रोकते हैं, तभी आप एक पर्टिकुलर रूल से स्टिक रहते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं करना है तो नहीं करना है। तो वही है एब्स्टिनेंस, मतलब रिस्ट्रेंट फ्रॉम प्लीजेंट थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है थ्योरिटिकल। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? थ्योरिटिकल, दैट इज नॉट कंक्रीट। कंक्रीट नहीं है, थ्योरिटिकल है। नॉन रिप्रेजेंटेशनल। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? थ्योरिटिकल या नॉट कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट जो है साउंड लाइक एक्सट्रैक्ट। अगर एब्स्ट्रैक्ट को देखा जाए तो ये साउंड करता है एक्सट्रैक्ट की तरह साउंड कर रहा है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक्सट्रैक्ट होता है यू कैन एक्सट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल स्पीच और पैसेज। कोई पैसेज दिया गया है, उससे आप क्या करते हैं, कोई भी फिलोसफिकल स्पीच ये सब जो है वो सब दिया गया है, तो उससे आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है थ्योरिटिकल, या थ्योरिटिकल कर सकते हैं, नॉट कंक्रीट कर सकते हैं, नॉन रिप्रेजेंटेशनल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज मतलब होता है ऑब्स्क्योर या प्रोफाउंड या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑब्स्ट्रूज मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझने में आपको दिक्कत हो रही है। एब्स्ट्रूज मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रूज मतलब होता है ऑब्स्क्योर या प्रोफाउंड या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसको कैसे याद करेंगे? इट कॉन्टेंट्स एब प्लस यूज। एब जनरली स्टैंड फॉर निगेटिव सेंस, और एब प्लस यूज मतलब कैन बी टेकन एज ए डिफिकल्ट टू यूज, मतलब ऐसा चीज जो कि आपको यूज करने में, एब प्लस स्ट्रूज मतलब एब प्लस यूज, मतलब एब जो है निगेटिव सेंस में यूज होता है, प्लस यूज मतलब जो आप कोई सामान को यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। तो मतलब एब्स्ट्रूज मतलब हो गया कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे कि समझने में आपको बहुत सारी परेशानी हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द एब्स्ट्रूज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबूसिव। मतलब होता है कोर्सली इंसल्टिंग या फिजिकली हार्मफुल, मतलब आप जो है एबूसिव मतलब होता है गाली देना, किसी को इंसल्ट करना या फिजिकली रूप से उसको हार्म पहुंचाना। तो ये क्या होता है एबूसिव मतलब? डोंट अब्यूज द इट्स वेरी इंसल्टिंग, मतलब ये इंसल्ट करने के जैसा होता है एबूसिव।
नेक्स्ट वर्ड है एबूट। एबूट मतलब होता है, एबूट मतलब होता है बॉर्डर अपॉन या एडज्वाइन। तो लुक एट योर बट इट्स लाइक टू पीस ऑफ फ्लेश टुगेदर मार्ट बाय द बाउंड्री इन बिटवीन देम, दैट्स एबूट। एबूट मतलब होता है एडज्वाइन, ऐसे याद रखिए। एबूट मतलब क्या होता है, एडज्वाइन या बॉर्डर अपॉन। नेक्स्ट वर्ड है एबाइस्मल। एबाइस्मल ABYSMAL। एबाइस्मल मतलब बॉटमलेस, बॉटमलेस मतलब जिसमें कि बॉटम नहीं है। एबाइस्मल मतलब जिसमें कि बॉटम नहीं है। तो एबाइस्मल, तो एबाइस मतलब कि जैसे टेक दिस एज ए 20 बीज इन हिंदी मतलब टेक इट एज ए माइल, ए 20 माइल डीप पिट इन द ग्राउंड लुक लाइक इट्स बॉटमलेस। तो एबाइस्मल मतलब क्या होता है, बॉटमलेस। नेक्स्ट वर्ड है एबाइस। एबाइस मतलब हो गया इनॉर्मस चास्म, वास्ट, बॉटमलेस पिट, एक्सट्रीमली डीप होल, काफी बड़ा जो है जो होल रहता है, काफी बड़ा जो गड्ढा होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एबाइस। एबाइस्मल मतलब भी होता है बॉटमलेस, और एबाइस मतलब भी आप कह सकते हैं कि बॉटमलेस ही होता है, जो कि ये वास्ट बॉटमलेस है, बहुत ज्यादा बड़ा गड्ढा है। एकेडमिक, एकेडमिक मतलब क्या हुआ कि आप शिक्षा से संबंधित है, एकेडमिक से रिलेटेड, तो समथिंग रिलेटेड टू एकेडमी। एकेडमिक जो है क्या है, समथिंग रिलेटेड टू एकेडमी से रिलेटेड है, यानी रिलेटेड टू स्कूल, रिलेटेड टू कॉलेज, दैट इज कॉल्ड एज द एकेडमिक, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल और डायरेक्टली यूजफुल, नॉट प्रैक्टिकल और डायरेक्टली यूजफुल। एकेडमिक मतलब रिलेटेड टू स्कूल। एसीड, एसीड मतलब होता है ACEDE, एसीड। एसीड मतलब होता है एग्री, मतलब किसी भी चीज से अगर आप सहमत होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एसीड। एसीड मतलब एग्री। इसको कैसे याद रखेंगे, एस प्लस सीड, एस प्लस सीड मीन्स सीड मतलब हुआ यील्ड। सो एसीड मीन्स टू यील्ड समवन समबडीज ओपिनियन और विश, मतलब किसी के ओपिनियन को, किसी के विचार से आप अगर सहमत हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द एसिड। एसिड मतलब एग्री। नेक्स्ट वर्ड है एसिलरेट। एसिलरेट मतलब होता है जैसे कि गाड़ी को एसिलरेट करते हैं, मतलब मूव, अगर आप फास्ट मूव कराना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, आप एसिलरेट कर दीजिएगा। तो एसिलरेट मतलब क्या होता है, मूव फास्टर। एसिलरेट मतलब क्या होता है, मूव फास्टर। तो जैसे गाड़ी को आप एसिलरेट देते हैं, एसिलरेट करते हैं मतलब मूव कराना चाहते हैं, फास्ट मूव कराना चाहते हैं। फिर है एसीसीबल, एसेसेबल, ACEDDLE, एसीसीबल मतलब होता है इजी टू अप्रोच। जो चीज आपको एसीसीबल है, जो इजी आसान तरीका से आपको मिल सकता है, ऑप्टेनेबल है, आसानी से उसको ऑप्टेन किया जा सकता है, आसानी से हासिल कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एसीसीबल, मतलब आसानी से उसको एसेस किया जा सकता है। जैसे एसेसेबल बाय, एसेसेबल मतलब क्या, एसेस प्लस एबल, बाय एसेसिंग इन इंटरनेट यू विल एबल टू एसेस ऑनलाइन कोचिंग, मतलब अगर जहाँ आप इंटरनेट में एसेस करेंगे तो आपको क्या होगा, ऑनलाइन कोचिंग आप आराम से ले सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। फिर एसेसरी, एसेसरी मतलब होता है एडिशनल ऑब्जेक्ट या यूजफुल बट नॉट एसेंशियल थिंग। एडिशनल ऑब्जेक्ट है जो कि यूजफुल है आपके लिए, बट उतना ज्यादा एसेंशियल नहीं है, मतलब उतना ज्यादा उपयोगी ठीक है, यूजफुल है, लेकिन उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज द एसेसरी। एसेसरी मतलब क्या हुआ, एडिशनल ऑब्जेक्ट। आपके पास जैसे एक पेन है जो, और एक पेन और आपने एक्स्ट्रा रखा, तो क्या एडिशनल है, तो दैट वो आपके लिए यूजफुल है बट नॉट एसेंशियल है, दैट इज कॉल्ड एज द एसेसरी। एसेसरी मतलब एडिशनल ऑब्जेक्ट, यूजफुल या यूजफुल बट नॉट एसेंशियल थिंग। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्लेम। एक्लेम मतलब होता है अपलोड, अपलोड या प्रेज, मतलब एक्लेम मतलब क्या हुआ, प्रशंसा करना, किसी का प्रशंसा करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एक्लेम। एक्लेम मतलब अपलोड या प्रेज या ग्रीट विथ ग्रेट अप्रूवल, मतलब बहुत खुशी से आप उसको अप्रूव कर रहे हैं, अनाउंस विथ ग्रेट अप्रूवल। तो ये अपलॉड मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, किसी का प्रशंसा अगर करते हैं, प्रेज करते हैं, अपलॉड करते हैं, ग्रीट करते हैं विद ग्रेट अप्रूवल, अनाउंस विद ग्रेट अप्रूवल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एक्लेम करना। एक्लेम करना मतलब एप्लूट करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना, दैट इज कॉल्ड एज द एक्लेम।
नेक्स्ट वर्ड है एसी एसिलीमेट, ACLIMETE, एसिलीमेट मतलब होता है एडजस्ट टू क्लाइमेट और एनवायरमेंट, यानी अडाप्ट कर लेना, अपने अपने आप को क्लाइमेट के अनुसार से एडजस्ट कर लेना या अडाप्ट करना। तो एस प्लस क्लाइमेट, ए सी प्लस क्लाइमेट, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट यू हैव टू अडाप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज, मतलब जिस तरह से वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार से आप अपने आप को ढाल ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एसिलीमेट। एसिलीमेट मतलब अडाप्ट, एडजस्ट टू क्लाइमेट और एनवायरमेंट, क्लाइमेट और एनवायरमेंट के अनुसार से अपने आप को एडजस्ट करना। दैट इज नेक्स्ट वर्ड इज एक्लिविटी, एक्लिविटी ACLIVITY, एक्लिविटी मतलब होता है शार्प या शार्प अप स्लोप ऑफ ए हिल या डिक्लिविटी, जैसे डिक्लाइन करते हैं ना, डिक्लाइन करते हैं तो जो हिल होता है, जो पहाड़ होता है, वहां से जो आप डिक्लाइन करते हैं दैट इज डिक्लिविटी को कहा जाता है एक्लिविटी। एक्लिविटी मतलब डिक्लिविटी भी होता है, तो एक्लिविटी मतलब डिक्लिविटी या शार्प अप स्लोप ऑफ ए हिल। इफ यू नो दैट क्लिफ इज ए स्टीप हाई फेस ऑफ रॉक देन इट इज इजी टू रिमेम्बर। एक्लॉड, ACLOLAD, एक्लॉड, एक्लॉड मतलब अवार्ड ऑफ मैरिट, जब आपको मैरिट के लिए आपको सम्मानित किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज द एक्लॉड। एक्लॉड मतलब स्ट्रॉन्ग प्रेज एंड अप्रूवल, स्ट्रॉन्ग प्रेज का मतलब स्ट्रॉन्ग प्रेज या अप्रूवल, काफी प्रशंसा हो रही है, अप्रूवल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्लॉड। एक्लॉड, एक्लॉड मतलब क्या हुआ, एक्लॉड मतलब हुआ अवार्ड ऑफ मैरिट। नेक्स्ट वर्ड है एकोमोडेट, एकोमोडेट मतलब क्या हुआ कि एडजस्ट करना, एकोमोडेट मतलब हुआ एडजस्ट करना, तो इसको ओबलाइज भी कह सकते हैं और हेल्प समवन, किसी का मदद करिए या एडजस्ट किए, या ब्रिंग इनटू हार्मोनी या अडाप्ट करना या मेक इनफ स्पेस फॉर, तो यू एकोमोडेट समवन व्हेन यू प्रोवाइड एकोमोडेशन, जब आप किसी को एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे तभी आप किसी को एकोमोडेट कर सकते हैं। तो एकोमोडेट मतलब क्या हुआ कि हेल्प करना, किसी की मदद करना, दैट इज कॉल्ड एज एकोमोडेट, या एडजस्ट करना या अडाप्ट करना। तो नेक्स्ट वर्ड है एकम्प्लाइस, एकम्प्लाइस मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, आप कोई क्राइम कोई कर रहा है उसमें अगर आप पार्टनर है दैट इज कॉल्ड एज एकम्प्लाइस, ACOMPLIC, एकम्प्लाइस मतलब पार्टनर इन क्राइम, क्राइम में आप पार्टनर हैं तब वो हुआ एकम्प्लाइस। तो एकम्पनी प्लस पुलिस, सो एकम्पनी पुलिस इम्प्लाइज हेल्पिंग पुलिस इन रिड्यूसिंग क्राइम, जो एकम्प्लाइस होता है वो क्या करता है कि पुलिस को हेल्प करता है क्राइम को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट वर्ड है एकॉर्ड, एकॉर्ड मतलब होता है एग्रीमेंट, कोड मतलब होता है हर्ड, मतलब अगर जहां आप एक दूसरे को समझ सकते हैं अच्छे से, एक दूसरे के हर्ट को समझ सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज द एग्रीमेंट। तो साउंड्स लाइक एकॉर्ड, एक प्लस कोड मतलब अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स वी आर इन एग्रीमेंट विथ आवर इन्वेस्टर एज वेयर टू इन्वेस्ट देयर मनी। अकॉर्ड मतलब क्या हुआ एग्रीमेंट, मतलब किसी एग्रीमेंट पे आप सहमत हो गए, सहमत होना, अकॉर्ड मतलब होता है सहमत होना या एग्रीमेंट। अकॉस्ट, अकॉस्ट मतलब होता है अप्रोच, अप्रोच एंड स्पीक फर्स्ट टू ए पर्सन, अकॉस्ट साउंड लाइक एनी कॉस्ट, मतलब किसी भी हालत में आपको जो है क्या होना है अप्रोच करना है और सबसे पहले अप्रोच करना है किसी व्यक्ति को, दैट इज कॉल्ड एज अकॉस्ट। अकॉस्ट मतलब क्या हुआ अप्रोच एंड स्पीक फर्स्ट टू ए पर्सन, कोई भी व्यक्ति है उससे सबसे सबसे पहले आपको पहुंचना है और सबसे पहले आपको बात करना है, दैट इज कॉल्ड एज द अकॉस्ट। आई विल अप्रोच फर्स्ट एंड स्पीक टू हर एट एनी कॉस्ट, एको ACOUTRE, एकोटर मतलब एकोटोरमेंट, मतलब कॉटचर मीन्स ड्रेस या एकॉट मीन्स फर्निश ड्रेस या इक्विपमेंट या ड्रेस कह सकते हैं इसको, एकॉटचर मतलब ड्रेस कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है एक्रीशन, एक्रीशन मतलब होता है ग्रोथ, एक्रीशन मतलब होता है ग्रोथ और इंक्रीज इन साइज बाय ग्रेजुअल एडिशन, ग्रोथ या इंक्रीज, इंक्रीज बाय नेचुरल ग्रोथ। एक्रीशन मतलब क्या हुआ
की ग्रोथ हुआ, ग्रोथ या इंक्रीज इन, इंक्रीज बाय नेचुरल ग्रोथ। एक्रीशन साउंड लाइक सेक्रेशन विच गिव्स एन आइडिया ऑफ ग्रोथ इन साइज। एक्रीशन साउंड लाइक सेक्रेशन विच गिव्स एन आइडिया ऑफ ग्रोथ इन साइज। तो एक्रीशन मतलब क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, या इंक्रीज इन साइज बाय ग्रेजुअल एडिशन। फिर है एक्रू मतलब कम टू वन एज ए गेन, या एक्यूमुलेट ओवर टाइम, या कम अबाउट बाय एडिशन। तो जो एक्रू है, एक्रू मतलब होता है कि एक्यूमुलेट ओवर टाइम, मतलब कुछ समय के बाद, मतलब इकट्ठा होना, जमा होना, इस तरह का। कम टू वन एज ए गेन मतलब एक जगह इकट्ठा होकर ज्यादा बेनिफिट का। तो कम अबाउट बाय एडिशन, साउंड लाइक अकडू, सो ए पर्सन बिकम्स अकडू व्हेंस ही गेन्स ए लॉट। मतलब जब एक पर्सन जो है अक्रू, मतलब अक्रू की तरह हो गया इसका साउंड होता है। तो कब कोई आदमी अक्रू बन जाता है, जब उसको ज्यादा बेनिफिट हो जाता है, ज्यादा लाभ हो रहा है किसी चीज में, तो वो अक्रू बन जाता है, दैट इज अक्रू। ए सी आर बी आई टी वाई, एक्रीविटी। एक्रीविटी मतलब होता है बिटरनेस ऑफ स्पीच एंड टेम्पर, मतलब भाषा में काफी कठोरता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्रीविटी। एक्रीविटी मतलब क्या हो गया, ए सी ई आर बी आई टी वाई, एक्रीविटी मतलब बिटरनेस ऑफ स्पीच एंड टेम्पर। तो मतलब भाषा में और उसके टेम्पर में काफी कठोरता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्रीविटी। नेक्स्ट वर्ड है एसिटिक। एसिटिक मतलब होता है विनेगरी, वी आई एन ई जी ए आर वाई, विनेगरी, विनेगर को कहते हैं ना, विनेगर को, विनेगर जो है वो एसिटिक है, तो ये विनेगर बोल सकते हैं एसिटिक को। फिर है एसीडुलस। एसीडुलस मतलब होता है स्लाइटली सावर, जो हल्का जो है खट्टा हो, दैट इज कॉल्ड एज द एसीडुलस, मतलब स्लाइटली सावर या शार्प या कॉस्टिक। तो एसीडुलस मतलब होता एसिड, एसिड में ये जो एसीडुलस है उसमें एसिड आता है, और एसिड कैसा होता है, सौर होता है, सौर टेस्ट का होता है, देसी एसीडुलस मतलब स्लाइटली सौर। एकोनॉलेज, एकोनॉलेज मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज या एडमिट करना। एकोनॉलेज मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना या एडमिट करना। एक प्लस नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज रिकॉग्नाइज स्कूल जनरली एडमिट वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मेरे नॉलेज के अनुसार जो भी रिकॉग्नाइज स्कूल है, जो भी फेमस स्कूल है, वो बहुत ही तेज विद्यार्थी को एडमिशन लेते हैं। तो एकोनॉलेज मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज स्कूल, एडमिट। एक्मे, एक्मे मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, एक्मे, ए सी एम ई, एक्मे, एक्मे मतलब पीक होता है, या पिनेकल भी बोल सकते हैं, या हाईएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्मे। एक्मे मतलब पीक, पिनेकल, हाईएस्ट पॉइंट। साउंड लाइक लेक्मे, हुज प्रोडक्ट प्रोमिस योर ब्यूटी टू रीच इट्स पीक। जो एक्मे है, लेक्मे है, लेक्मे जो फेस क्रीम, उसका प्रोडक्ट क्या प्रॉमिस करता है, कि आपका जो ब्यूटी, आपकी जो सुंदरता है, वो उसको पीक पे पहुंचा देगा, हाई लेवल पे पहुंचा देगा। तो एक्मे मतलब क्या हुआ, पीक या पिनेकल या हाईएस्ट पॉइंट। एक्ने, ए सी एन ई, एक्ने मतलब होता है स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज है, तो दैट इज कॉल्ड एज द एक्ने, ए सी एन ए। नेक्स्ट वर्ड है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स मतलब क्या होता है, ए सी ओ यू एस टी आई सी एस, एकॉस्टिक मतलब साइंस ऑफ साउंड, साउंड के जो विज्ञान है उसको बोलते हैं एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक मतलब साइंस ऑफ साउंड, क्वालिटी दैट मेक्स ए रूम इजी और हार्ड टू हियर इन, या तो इजी बना देता है या कठिन बना देता है सुनने में, तो दैट इज कॉल्ड एज एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक मतलब साइंस ऑफ साउंड है। फिर है ए सी क्यू यू आई ई एस सी ई, एक्यूज। एक्यूज मतलब होता है एसेंट या एग्री पैसिवली या कम्प्लाई विथ प्रोटेस्ट। तो एसेंट, एग्री पैसिवली मतलब आप एग्री पैसिवली रूप से एग्री हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्विसेंस। एक्विसेंस एसेंट या एग्री पैसिवली या कम्प्लाई विदाउट प्रोटेस्ट। एक्विटल, एक्विटल, एक्विटल मतलब होता है ए सी क्यू यू आई डबल टी ए एल, एक्यूटल।
एक्यूटल मतलब होता है डिलीवरेंस फ्रॉम द चार्ज, मतलब जो चार्ज था आपके ऊपर उससे आपको मुक्त कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूटल। एक्विट, एक्विट मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम द एक्विजिशन या चार्ज। आपके ऊपर कोई अगर केस चल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको उसमें बरी कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज एक्विट कर दिया। तो एक्विटल मतलब क्या हो गया, बरी करना, मतलब कोई भी जितने भी चार्ज आपके ऊपर लगा हुआ है, जितने भी आपके ऊपर केस चल रहा है, वो सारे केसों से आपको बरी कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज द एक्विटल। साउंड लाइक एक्विजिशन मतलब क्विट, क्विट जैसे एक्विटल मतलब यहाँ क्विट होता है, क्विट, क्विट मतलब होता है मतलब फ्री कर देना। तो एक्विटल मतलब क्या होगा, फ्री फ्रॉम द चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज एक्विटल। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रीड, एक्रीड मतलब होता है बिटर टेस्ट, टेस्ट या स्मेल जो है, अगर जहाँ बहुत खराब है, बहुत खराब टेस्ट है या बहुत खराब स्मेल आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्रीड। एक्रीड मतलब या बिटरली पंजेंट भी कह सकते हैं, मतलब सफोकेटिंग है, मतलब आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, इतना खराब स्मेल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्रीड। एक्रीड मतलब क्या हो गया, बिटर स्मेल या शार्प या बिटरली पंजेंट स्मेल, दैट इज कॉल्ड एज एक्रीड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस मतलब क्या हो गया कि बिटर इन वर्ड्स और मैनर, मतलब ये भी बिटर, बिटर अभी बताया कि एक्रीड मतलब भी बिटर होता है, एक्रीमोनियस मतलब भी बिटर होता है, जो अपने शब्दों से या अपने चाल चलन से खराब हो, बिटर हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मतलब बिटर इन वर्ड्स और मैनर। एक्रीमोनी बिटर इल्ड नेचर, मतलब खराब नेचर का है, दैट इज कॉल्ड एज एक्रीमोनी। तो इसको याद कैसे रखेंगे, ए प्लस क्री मोन एस, टेक क्राई एज क्राई, स्टिंगिंग बेटर वर्ड्स हर्ट एंड मोन एस एंड मेक एस क्राई। तो एक्रीमोनियस मतलब क्या हो गया, स्टिंगिंग या बिटर इन वर्ड्स और मैनर, या कॉस्टिक भी बोल सकते हैं। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मतलब होता है फियर, एक्रो मतलब क्या हो गया, एक्रोफोबिया मतलब फियर फ्रॉम हाइट, हाइट से अगर आपको फियर लगता है, ऊंचाई से आपको अगर डर लगता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब फियर फ्रॉम, फियर ऑफ हाइट मतलब ऊंचाई का डर। तो ए, इसको याद कैसे रखेंगे, ए प्लस क्रो प्लस फोबिया, फोबिया मतलब हो गया डर, क्रो जो है जो क्या करता है, हाइट तक, बहुत हाइट तक, बहुत हाइट तक फ्लाई करता है, तो मतलब हाइट का जिसको डर लगता है, फोबिया लगता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है acuturial, 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 acuturial मतलब कैलकुलेटिंग, मतलब अगर आप कोई काफी कैलकुलेटिंग है, अर्थमेटिक है, कैलकुलेटिंग है, हर चीज को कैलकुलेट करके चलते हैं, पर्टेनिंग और इंश्योरेंस स्टैटिक्स है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टुएरियल, एक्टुएरियल, acuturial, एक्टुएरियल मतलब कैलकुलेटिंग या पर्टेनिंग टू इंश्योरेंस या स्टैटिक्स। फिर है एक्टुएरी, actury, एक्टुएरी मतलब समवन हु एडवाइज इंश्योरेंस कंपनी, मतलब जब कोई व्यक्ति जो है इंश्योरेंस कंपनी को एडवाइज करता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टुएरी, actury। नेक्स्ट वर्ड है एक्टुएट, acutate, एक्टुएट मतलब होता है मोटिवेट, एक्टुएट मतलब क्या होता है, मोटिवेट या एक्टिवेट या काउज टू एक्ट। तो मोटिवेट होता है, एक्टिवेट होता है, काउज टू एक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टुएट, एक्टुएट मतलब मोटिवेट या एक्टिवेट। तो द सीनियर एक्टर परफॉर्म एंड मोटिवेटेड इज जूनियर एक्टर, जो सीनियर एक्टर था उसने परफॉर्म करके दिखाया, उसने एक्टिंग करके दिखाया, उससे क्या हुआ, जूनियर एक्टर जो था वो काफी मोटिवेट हुआ। तो एक्टुएट मतलब क्या हो गया, मोटिवेट, एक्टुएट मतलब क्या हो गया, मोटिवेट या एक्टिवेट या काउज टू एक्ट। एक्विटी, acuity, एक्यूटी, एक्यूटी मतलब क्या हो गया, शार्पनेस, कोई चीज में काफी शार्पनेस है ऑफ माइंड या सेंस ऑफ साइट या हियरिंग, सुनने में काफी उसका तेज है कान, तो या देखने में काफी उसकी जो साइट है वो काफी सेंस जो है शार्पनेस है, दैट इज कॉल्ड द एक्विटी, एक्विटी मतलब शार्पनेस। एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब मेंटल कीनेस या शार्पनेस ऑफ जजमेंट या एबिलिटी टू जज क्विकली एंड वेल, मतलब एक्यूमेन मतलब हुआ कि अगर जहाँ आपके पास एबिलिटी है
बहुत जल्दी से जज करने का, बहुत जल्दी से डिसीजन लेने का, दैट इज कॉल्ड एज द एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब एबिलिटी टू जज क्विकली एंड वेल, मतलब ऐसा एबिलिटी जिससे कि आप तुरंत जज कर सकते हैं और अच्छे से तेजी से जज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्यूमेन। एक्यूमेन जो है, एक्यूमेन साउंड लाइक आईक्यूमेन। आईक्यूमेन किस आदमी का आईक्यू ज्यादा रहता है, जिसकी की एबिलिटी जज करने की एबिलिटी बहुत फास्ट रहती है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्यूमेन। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट। एक्यूट मतलब भी होता है शार्प। एक्यूट मतलब क्या होता है, शार्प, शार्प या क्विकली परसेप्टिव, कीन, पेनेट्रेटिंग, ब्रीफ और सेवियर, दैट इज कॉल्ड एज द एक्यूट। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्री हो, सो एंगल विथ स्मॉल मेजरमेंट। जब एंगल स्मॉल मेजरमेंट का होगा तो उसका वर्टेक्स क्या होगा, काफी शार्प हो जाएगा। तो एक्यूट मतलब क्या होता है, शार्प या क्विकली परसेप्टिव, कीन, पेनेट्रेटिंग, ब्रीफ और सेवियर। नेक्स्ट वर्ड है एडेज। एडेज मतलब क्या होता है, ADAGE, एडेज। एडेज मतलब वाइज सेइंग या प्रोवर्ब, मतलब बुद्धिमानी से कहना, दैट इज कॉल्ड एज द एडेज। जो एडेज कैसे याद रखेंगे, एड प्लस एज। तो जो ज्यादा एज का रहता है उसने, वो जो एडवाइस देता है वो काफी वाइज एडवाइस होता है। एडेज मतलब एडवाइस एट एज। व्हेन ए पर्सन इज एडिंग इन एज, इंक्रीज इन एज या ओल्ड पीपल जनरली स्पीक्स वाइजली एंड यूज लॉट्स ऑफ एडेज इन देयर कन्वर्सेशन। मतलब जो बूढ़े आदमी होते हैं वो अपने, जब वो बात बोलते हैं तो वो अपने बातों में काफी बुद्धिमत्ता रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एडेज। एडेज मतलब वाइज सेइंग या प्रोवर्ब। एडामेंट, ADAMANT, एडामेंट मतलब होता है हार्ड या इनफ्लेक्सिबल, जो काफी कठोर हो, दैट इज कॉल्ड एज द एडामेंट या इनफ्लेक्सिबल, जो कि वो जो लचीलादार नहीं हो, दैट इज कॉल्ड इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचेदार, इनफ्लेक्सिबल मतलब जो फ्लेक्सिबल नहीं हो, जो बर नहीं सके, तो नॉट फ्लेक्सिबल कह सकते हो आप। तो एडामेंट मतलब हार्ड होता है या इनफ्लेक्सिबल। तो इसको कैसे याद करेंगे, ए प्लस डैम प्लस एंड, ए प्लस डैम प्लस एंड। जो डैम होता है वो क्या होता है, जनरली इनफ्लेक्सिबल होता है, जो बांध होता है वो इनफ्लेक्सिबल होता है, काफी हार्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एडामेंट। एडामेंट मतलब हार्ड या इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट वर्ड है एडाप्ट। एडाप्ट, ADAPT, एडाप्ट। एडाप्ट मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना। एडाप्शन, एडाप्शन मतलब एक्ट ऑफ एडाप्टिंग। तो ये एडाप्ट मतलब क्या होता है, मेक और बिकम सुटेबल फॉर स्पेसिफिक यूज, किसी पर्टिकुलर यूज के लिए, किसी निश्चित यूज के लिए अगर आप सुटेबल हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द एडाप्ट। एडाप्ट मतलब क्या बोल सकते हैं, एडजस्ट या मॉडिफाई, अल्टर या मेक और बिकम सुटेबल फॉर स्पेस, किसी पर्टिकुलर यूज के लिए आप स्पेसिफिक, दैट इज कॉल्ड एज द एडाप्ट। नेक्स्ट वर्ड है एडेंडम। एडेंडम, ADDENDUM, एडेंडम मतलब होता है एडिशन। एडेंडम मतलब होता है एडिशन या अपेंडिक्स टू बुक, समथिंग दैट इज एडेड, समथिंग दैट इज एडेड, दैट इज कॉल्ड एज द एडेंडम। एडेंडम मतलब कुछ चीज ऐसा जिसे कि ऐड किया गया, बाद में ऐड किया गया, जैसे बुक में या कोई स्पीच ऐड किया गया, या अपेंडिक्स जो टू बुक है, एडिशन करना। एडेंडम मतलब होता है कि किसी नए चीज को उसमें जोड़े, जैसे ऐड प्लस एंड प्लस एम, एनीथिंग एडेड इन द एंड ऑफ बुक। जो बुक है, बुक के अंत में अगर कुछ आपने और ऐड किया, दैट इज कॉल्ड एज द एडेंडम। एडेंडम, एडेंडम मतलब समथिंग ऐड करना, एडिशन कह सकते हो। एडिक्शन, एडिक्शन मतलब होता है कि बुरी लत, जो कंपल्सिव हैबिचुअल नीड है, मतलब आपको किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन मतलब कि कोई चीज की बुरी लत, तो ऐड प्लस एक्शन, जैसे कि इफ यू ऐड एन एक्शन इन रेगुलर रूटीन, वंस यू विल गेट एडिक्टेड टू इट एंड दिस इज, दैट इज एडिक्शन। मतलब कि बार बार वो काम करने की आपको आदत हो जाएगी, कोई भी काम आप करते हैं और बार बार उस काम को डेली रिपीट करते हैं, तो वो आपकी एक एडिक्शन बन जाएगी। तो एडिक्शन मतलब क्या हुआ कि कंपल्सिव हैबिचुअल नीड है, मतलब वैसी आदत हो गई है जो बार बार आप उसको रिपीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड है एडल, ADDLE, एडल मतलब मेक और बिकम कंफ्यूज या कंफ्यूज हो गए आप, तो दैट इज कॉल्ड एज द एडल। एडल मतलब
कंफ्यूज हो जाना या ड्राइव क्रेजी, या जो आप जैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं तो अगर आप क्रेजली अगर ड्राइव करते हैं, पागलों की तरह ड्राइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एडल भी कह सकते हैं। तो एडल मतलब मेक और बिकम कंफ्यूज, मडल या ड्राइव क्रेजी या बिकम रॉटन। तो जो एडल होता है वो साउंड लाइक करता है ए प्लस डल। ए प्लस डल मतलब क्या, जो डल पर्सन रहता है वो हमेशा क्या होता है, कंफ्यूज रहता है। तो जो डल पर्सन रहता है वो हमेशा क्या होता है, कंफ्यूज होता है। तो ए प्लस डल मतलब बिकम कंफ्यूज, एडल मतलब बिकम कंफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड है एड्रेस। एड्रेस मतलब क्या होता है, एड्रेस का मीनिंग होता है डायरेक्ट स्पीच या स्पीक टू, डील विथ और डिस्कस होता है, या डायरेक्ट वंस एफर्ट और अटेंशन टू, मैक विथ ए डेस्टिनेशन या फॉर्मल स्पीच। तो जो स्पीच होता है, जैसे आप स्पीच देते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप एड्रेस करते हैं। तो एड्रेस मतलब क्या हुआ कि एक फॉर्मल स्पीच है या डायरेक्ट ए स्पीच है, मतलब एक भाषण है। भाषण बोलने वक्त आप सबको एड्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एड्रेस, मतलब स्पीक टू, डील विद और डिस्कस करना। एडेप्ट, एडेप्ट मतलब होता है निपुण, वेरी स्किल पर्सन, काफी जिसके पास काफी इल्म है। जैसे कि एडेप्ट बैट्समैन जो है सचिन तेंदुलकर है, जो कि काफी बुद्धिमान है, काफी एक्सपर्ट है, काफी स्किल्ड है क्रिकेट को लेकर, दैट इज कॉल्ड द एडेप्ट। एडेप्ट ADEPT, एडेप्ट मतलब वेरी स्किल। एडहेयर, एडहेयर मतलब स्टिक, जैसे कि फेविकॉल है, फेविकॉल से दो ऑब्जेक्ट को साट दिए तो वो क्या हो गया, दोनों जो सटा हो, दैट इज कॉल्ड द एडहेयर। एडहेयर मतलब स्टिक फास्ट, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जोर से सट जाना, मतलब काफी सट जाना, दैट इज स्टिक हो जाना, स्टिक फास्ट, दैट इज कॉल्ड द एडहेयर। या एडहिशन, या लॉयल्टी डिवोशन। एडहेयर इज रिलेटिंग टू एडहेसिव। एडहेसिव मतलब क्या होता है, जो फेविकॉल सब है ये सब क्या है, एडहेसिव है। तो एडहेसिव मतलब, एडहेयर मतलब फास्ट जो है स्टिक कर जाना, दैट इज कॉल्ड द एडहेयर। नेक्स्ट वर्ड इज एडहेरेंट। एडहेरेंट मतलब क्या होता है कि किसी का सपोर्टर है, किसी का फॉलोअर है, कोई ग्रुप है उसका फॉलोअर है आप, तो उसको आप बोल सकते हैं एडहेरेंट। एडहेरेंट मतलब क्या होता है, सपोर्टर या फॉलोअर। एडहेरेंट मतलब क्या होता है, सपोर्टर या फॉलोअर। नेक्स्ट है एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, नाइबरिंग, जो आपके बगल का है, दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट। या एडज्वाइनिंग या क्लोज बाय, जो आपके सबसे क्लोज है वो आपके एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब एडज्वाइनिंग, नाइबरिंग, क्लोज बाय, इस तरह का होता है। तो एडजस्ट प्लस इंड, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, नाइबर का, जो आपका पड़ोसी है, जो आपके बगल का है, दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एडज्वाइन। एडज्वाइन मतलब नेक्स्ट, मतलब अगर नेक्स्ट टू बी नेक्स्ट टू, मतलब एड प्लस ज्वाइन मतलब एडजेसेंट एंड ज्वाइनिंग, जो आपके बगल का है और आपका ज्वाइन कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एड प्लस ज्वाइन मतलब नेक्स्ट, अगला। एडज्वाइन मतलब क्या होता है, नेक्स्ट मतलब अगला। एडजॉर्न, ADJURN, एडजॉर्न। एडजॉर्न मतलब क्या होता है, सस्पेंड अंटिल ए लेटर टाइम, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक जगह से लेके दूसरे जगह तक जाना, जो चला जाना, दैट इज कॉल्ड द एडजॉर्न। एडजॉर्न मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना, दैट इज कॉल्ड द एडजॉर्न, मतलब मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सस्पेंड अंटिल ए लेटर टाइम, नेक्स्ट समय तक, बाद वाले समय तक के लिए सस्पेंड करना, दैट इज कॉल्ड द एडजॉर्न। एडजॉर्न मतलब क्या हुआ, एड प्लस जर्नी। एडजॉर्न मतलब क्या हुआ, एड प्लस जर्नी, मतलब टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड द एडजॉर्न। नेक्स्ट वर्ड इज एडजंक्ट। एडजंक्ट ADJUNCT, एडजंक्ट मतलब समथिंग अटैच्ड टू बट होल्डिंग एन इनफेरियर पोजिशन, समथिंग अटैच्ड टू बट होल्डिंग एन इनफेरियर पोजिशन, मतलब कि जो इन्फेरियर पोजिशन को होल्ड करके रखा है, जो जो कुछ कुछ चीज ऐसा है जो आपसे अटैच है, लेकिन उसने गलत पोजीशन को होल्ड करके रखा है, गलत पोजीशन पर है, दैट इज कॉल्ड एडजंक्ट। एडजंक्ट मतलब समथिंग अटैच टू बट होल्डिंग एन इन्फेरियर पोजिशन। जैसे वी एड जंक फूड इन आवर डाइट विच इज वेरी पुअर और इन्फेरियर इन द क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जंक फूड को अपने
खाने पीने के सामानों में यूज करने लगते हैं, तो वो क्या है कि बहुत पुअर है, इनफेरियर क्वालिटी का है, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हम लोग उसको जो है क्या किए हैं अपने न्यूट्रिशन में ऐड करके रखे हैं। तो वी ऐड जंक फूड। एडजंक्ट मतलब क्या हो गया, समथिंग अटैच्ड टू बट होल्डिंग एन इनफीरियर पोजिशन। तो ये पार्ट थर्ड है, पार्ट वन और पार्ट टू जो हम डाल चुके हैं इसमें। फ्रेंड ये पार्ट थर्ड है जीआरई वैरन के बुक का, ये मैं कंप्लीट जो है वर्ड का लिस्ट आपको कराऊंगा। तो आज मैं 80 ये आज लगाकर 85 वर्ड्स होगा, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और ये SSC CGL और बैंक PO IBPS PO जो भी IBPS कलर का निकला है, तो सारे के लिए ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। आप इसको एक बार गो थ्रू कीजिए, मिनिमोनिक्स टेक्निक से समझने का कोशिश कीजिए, उसको याद करने का कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत ही ये यूजफुल होगा। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को, द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बार नेक्स्ट टाइम भी जो मैं वीडियो डालूंगा उसे भी देखिए, आप इसको बार बार देखते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।